हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीचर, यूट्यूबर एंड एंटरप्रेन्योर सागर डोडेजा के बारे में। दोस्तों, सागर का जन्म 5 जुलाई 1989 को रायपुर में हुआ था, जो कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी है। दोस्तों, सागर बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे बच्चे रहे हैं। वो हमेशा अपने क्लास या स्कूल में टॉप 3 बच्चों में रहा करते थे। सागर बचपन से ही ऐसे बच्चे थे जो कि पढ़ाई में अपनी पूरी जान झोंक दिया करते थे। वे स्कूल के हर एक एग्ज़ाम व कंपटीशन के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। उनका पढ़ाई के लिए इतना रुझान इसलिए भी था क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही यह बता दिया था कि बेटे, आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो हम सब पूरी कर देंगे, लेकिन यदि आपको लग्जरीज चाहिए तो वह आपको खुद अर्न करनी पड़ेंगी, और पढ़ाई ही वह रास्ता है जहाँ से तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो इस तरह से यह बात उनके अंदर बचपन से घर कर गई थी कि यदि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई तो मुझे करनी ही पड़ेगी। सागर की फैमिली में उनके फादर, उनकी मदर, उनकी छोटी बहन व सागर खुद हैं। उनके पिताजी रायपुर में ही एक प्राइवेट जॉब किया करते थे व उनकी माँ हाउसवाइफ थी। सागर की स्कूल एजुकेशन रायपुर की एक प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट हुई। जब सागर ने 10th क्लास अच्छे परसेंटेज से पास कर ली तो घर वालों ने यह डिसीजन लिया कि सागर को 11th और 12th के साथ साथ IIT की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। जब सागर ने IIT की तैयारी के लिए फिटजे नाम की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। अगले 2 साल तक सागर ने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की व 12th के साथ ही AIEEE का एग्ज़ाम भी दिया। यह बात है 2007 की, जब कंप्यूटर साइंस व इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम आया हुआ था। सभी बच्चे सिर्फ CS के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उस समय गूगल व कंप्यूटर का क्रेज बढ़ रहा था तो बच्चों के लिए अच्छी रैंक लाने का मतलब था कि CS में एडमिशन। इसी बूम की वजह से सागर भी CS या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जाना चाहते थे, लेकिन जब AIEEE का रिजल्ट आया तो सागर की रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं आई व फिर उनसे IIT का एग्ज़ाम भी क्लियर ना हो सका। इस वजह से उन्हें AIEEE के मार्क्स के बेस पर ही NIT रायपुर में सिविल ब्रांच मिला। सागर को सिविल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उन्होंने NIT रायपुर में कॉलेज ज्वाइन कर ली। कॉलेज की शुरुआती 2 सालों तक तो सागर ने अपनी सिविल की पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो सिर्फ थोड़े बहुत पढ़ाई कर लिया करते थे जिससे कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास हो सके। लेकिन जब 3rd ईयर में सागर ने देखा कि सभी लोगों का सिलेक्शन व प्लेसमेंट हो रहा है व उनके वे सीनियर जो कि उनके जैसे कैटेगरी में आते थे उन्हें कोई भी कंपनी प्लेसमेंट नहीं दे रही है, तब सागर को डर सताने लग गया। तब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा मेहनत करके देखते हैं, शायद सिविल में ही इंटरेस्ट आ जाए। लेकिन जब 2-3 महीने तक सागर ने सिविल की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट सिविल की तरफ बढ़ने लगा। तब उन्हें एक और बात पता चली कि यदि फाइनल ईयर में अच्छी रैंक आ जाती है तो हम गेट की प्रिपरेशन करके यदि अच्छी रैंक लाते हैं तो बड़ी बड़ी IIT से MTech करने का मौका मिल सकता है। इसलिए सागर ने BTech के साथ साथ कॉलेज के लास्ट ईयर में गेट की भी प्रिपरेशन कर ली। वह जब गेट का एग्ज़ाम दे दिया, गेट का रिजल्ट आया, तब उनमें उनकी 99.9% आई। वह उन्हें इंडियाज़ के सारे टॉप IITs में सीट मिल रही थी, जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर एक्सेट्रा। पर सागर ने IIT बॉम्बे को चूज़ किया, जहाँ कॉलेज के शुरुआती समय में सागर को सिविल का सी भी समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वहीं सागर ने सिविल ब्रांच से ही गेट में 99.9% ले आए। अपने इस समय में सागर को एक बात समझ में आ गई थी कि एक्चुअल में इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप जिस भी चीज़ में अपना ज़्यादा समय व एफर्ट लगाते हैं उस चीज़ में आपका अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाता है। जब सागर IIT बॉम्बे से MTech कर रहे थे तब उनके प्रोफेसर उन्हें असाइनमेंट दिया करते थे जिसमें कि उन्हें अपने जूनियर यानी कि BTech के बच्चों को पढ़ाना होता था। धीरे धीरे MTech के इन 2 सालों में सागर का इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि वाह, यह कितनी अच्छी बात है कि हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। जब सागर की IIT बॉम्बे से MTech कंप्लीट हुई तो सागर के पास कई इंडियंस व फॉरेन कंपनीज के प्लेसमेंट थे। वह उनके कई दोस्त भी अलग अलग जगहों जैसे जर्मनी, USA, कनाडा, दुबई आदि जगहों पर प्लेसमेंट लेकर जॉब ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन सागर ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं बाहर तो जाऊंगा नहीं, देश में रहकर ही कुछ अच्छा करेंगे। तब सागर ने सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का सोचा। तब उन्होंने बिना ड्रॉप किए खुद से ही UPSC में IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर की तैयारी की व एग्ज़ाम दिया। उसे उन्होंने अच्छे रैंक के साथ क्लियर भी किया एक ही बार में। ये बात थी 2014 की, लेकिन क्योंकि सरकारी नौकरी में सिलेक्शन के बाद भी जॉब ज्वाइनिंग में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए इस बीच सागर के पास लगभग 1 साल का टाइम खाली था। खाली टाइम में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने मेड इज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोचिंग को एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर लिया।
अपने टीचिंग के 2-3 महीनों के टाइम में ही उन्हें इसी फील्ड में अपने करियर की एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती दिखाई दी। तभी 6 महीने बाद उनकी IAS की ज्वाइनिंग भी आ गई, जिसमें कि अगले 1 साल के बाद उनकी ज्वाइनिंग डेट थी। तब सागर को पूरा 1 साल का टाइम मिल चुका था, जिससे वह ये पता कर सकते थे कि उन्हें टीचिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाना है या जब ज्वाइनिंग की डेट आएगी तो उसे ज्वाइन करना है। लेकिन अगले 1 साल में सागर को टीचिंग व कोचिंग सेंटर करियर में ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाई दी, इसलिए उन्होंने IAS की जॉब को छोड़कर टीचिंग व अपने एंटरप्रेन्योर बनने के सपने को ही कंटिन्यू रखना सही समझा। उसी 1 साल के 2014-2015 फाइनेंशियल ईयर में ही सागर सेल्फ मेड करोड़पति बन चुके थे, और उनके इस सेल्फ प्राउड ने उन्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि वो जिससे उन्होंने IAS की जॉब को छोड़ करके एंटरप्रेन्योर और टीचर बनने का सोचा। अपने अब तक के सफ़र से सागर को ये बात समझ में आ चुकी थी कि सफलता या असफलता सब अपने माइंड का खेल होता है। अगर आप किसी चीज़ में जान लगा देते हो तो आप उस चीज़ में सफल हो जाते हो। हम फेल ही तभी होते हैं जब हमारे एफर्ट जान लगा दो या जाने दो के बीच में रह जाते हैं। अपनी इसी बात को लोगों के साथ कन्वे करने व हमारे देश के यूथ को सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सागर ने 4 अप्रैल 2017 को सिविल बेंग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जिसमें वो मेनली कोचिंग संस्थानों में रहने वाले बच्चों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों को सही ट्रिक्स व तरीका बताते हैं कि कैसे वे इन टफ लगने वाले एग्ज़ामों को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वे अपने YouTube चैनल पर अन्य एरियाज जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ईजी लर्निंग, स्टडी टिप्स, मोटिवेशन आदि के बारे में भी बात करते हैं। उनके YouTube चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि सागर सिर्फ वही चीज़ें और वही ट्रिक्स शेयर करते हैं जिन्होंने उनके लिए काम की थी और जिसका यूज करके वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सागर के लिए यूट्यूब चैनल सिर्फ एक हॉबी है, जिसे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए यूज़ करते हैं। आज उनकी फ्री YouTube लर्निंग की वजह से लाखों बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, और यही कारण है कि आज उनके चैनल पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज सागर अपनी कोचिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एवं अन्य तरीकों से महीने का लगभग 8 से 10 लाख रुपए कमाते हैं। वह अपनी लाइफ खुशी खुशी बिता रहे हैं, और हाँ, अभी तक सागर अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी सागर जोडेजा के अब तक के जीवन की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।